हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप जो है कॉलेज कैसे सेलेक्ट करो, एक अच्छा कॉलेज आपको जो है किस तरीके से चुनना चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो ही गया है और इसके बाद रिजल्ट आएगा और आपका एडमिशन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में होगा या फिर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, या फिर जो है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है किसी प्राइवेट कॉलेज से लेंगे, यही दो तरीका है। तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज कैसे चुनना है कि आप जो है एक सही कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज से करो, क्योंकि सही कॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है एक अच्छा कॉलेज के लिए कि आपको ये चेक करना है कि वहाँ का नंबर कैसे मिलता है, यानी कि नंबर बहुत कम तो नहीं मिलते हैं, परसेंटेज कितना जाता है, कम तो नहीं जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कि बीएड करने के बाद एक ही मकसद होता है, हमें टीचर बनना है और उसके बाद जो है हमें टेट वगैरह देना है, टीजीटी देना है, सीटेट देना है, सुपर टेट देना है, ये सारे एग्ज़ाम तो आपको देने ही हैं। जो भी इसका मेरिट जाएगा, जितने नंबर आएंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन जो आपका बीएड में नंबर होता है, जितने मार्क्स आते हैं, ये भी आपको आगे हेल्प करता है, क्योंकि ये भी जो है आगे ऐड होता है, आपका मेरिट ये भी बनाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर मेरिट जो है बहुत लो जाती है, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, परसेंटेज बहुत कम जाता है बच्चों का, तो ये जो है उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये आप ज़रूर चेक करें कि आपके कॉलेज में नंबर जो है कैसे मिलता है, मेरिट कैसे जाती है, ये तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। जिस भी एरिया में आप एडमिशन लेते हैं, या तो आप अपने एरिया में जो है कहीं पर भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर आप पता कीजिए, ये तो आपको करना ही होगा। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ चेक करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये देखिए कि उस कॉलेज का सेंटर कहाँ जाता है, जो एग्ज़ाम है जो है वो कैसा होता है, यानी कि जहाँ पर सेंटर जाता है वहाँ पर अच्छा एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि उस कॉलेज का इंटरनल जो मार्क्स होता है वो कैसे मिलता है, अच्छा मिलता है कि खराब मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो इंटरनल मार्क्स ही होते हैं जो कि कॉलेज के थ्रू मिलता है, कॉलेज अपनी तरफ से देता है, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं और भी सारी चीजें होती हैं कॉलेज में। तो वहाँ पर जो इंटरनल मार्क्स आपको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है कि खराब मिल रहा है, क्योंकि परसेंटेज जो है आपका इंटरनल मार्क्स ही बनाता है, ये जो है ज़्यादा रोल करता है आपका परसेंटेज बनाने में। तो ये भी आपको चेक करना है कि वहाँ का इंटरनल मार्क्स जो है वो कैसे मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि आप ये चेक करो कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, स्टडी वहाँ पर कैसी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको चेक करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो था मैंने आपको बताया कि आपको ये चेक करना है इंटरनल मार्क्स कैसे मिलते हैं, परसेंटेज वहाँ का कैसा जाता है, सेंटर जो है वो कहाँ पर जाता है, ये सारी जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको चेक करना है। आप कॉलेज से पता कीजिए और बच्चों से पता कर सकते हैं, जो भी कॉलेज में बच्चे हैं आप उनसे पता कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज से अगर आप डायरेक्ट टीचरों से बात करेंगे तो वो तो अपने कॉलेज की पढ़ाई ही करेंगे और कॉलेज में एडमिशन जो उनको देना है, लेकिन आप बच्चों से पूछेंगे, वहाँ पर जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनसे पूछेंगे, तो वो जो है बिल्कुल फैक्ट आपको बताएंगे कि वहाँ का क्या नियम है, क्या वहाँ का कंडीशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं बच्चे बिल्कुल फैक्ट बताते हैं जो कि वहाँ से पढ़ के पास आउट हुए हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर जो है जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ज़रूर चेक कीजिएगा एडमिशन लेने के पहले। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।